इलेक्ट्रिक वाले ट्रेन। अभी वर्तमान में हम लोग क्योंकि हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं ये, और ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिलायबल है, इसलिए अब सारी गाड़ियों में एयर स्प्रिंग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो एयर स्प्रिंग में हम लोग मेंटेनेंस के दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही अहम होता है, खासकर अंडर गियर और वेपर वालों के लिए स्टाफ गाड़ी थोड़ा बहुत जरूरी है। सर प्रथम हमको जब हम एयर स्प्रिंग के बारे में आते हैं तो इसकी हाइट को मेंटेन करना RDSO के द्वारा बताया गया है, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट इसका जो बताया गया है वो है 292 mm होता है, प्लस 0 माइनस 5, यानी 287 से 292 के बीच में इसकी हाइट होनी चाहिए। अब देखेंगे कि हाइट कैसे नापते हैं। तो हम लोग के द्वारा सिग्नलाइन के द्वारा ये कि ये गो नो गो जो है गजट बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही इजीली पकड़ लेंगे कि भाई इसका इसकी हाइट निर्धारित सीमा में है या नहीं। ठीक है, अभी लगा के बताएंगे प्यारे, बताइए। ये टयाल का है, ये टयाल में का एयर स्प्रिंग है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स यहाँ रखेंगे, इसको फिक्स करेंगे, लेवल मिलाएंगे, बराबर अब इसको यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये जो प्लेट है ये इसके नीचे आ जाना चाहिए, इट मीन्स कि ये इसकी हाइट जो है ये शो कर रहा है कि इसकी हाइट 292 mm है। ठीक ना, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें हाइट मेंटेन करने के लिए बेसिक चीज़ यही है कि आप इसको लगाएंगे, सिंपली लगाने के बाद देखेंगे कि ये जो है इस जो बॉटम प्लेट इसका है, बॉटम प्लेट के नीचे ये वाला प्लेट आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया, इट मीन्स कि हमारा इसका हाइट प्रॉपर है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक D2 D3 शेड्यूल में आपको इसकी हाइट मेंटेन करनी है, या फिर या तो आपकी इंस्टॉलेशन लेवल आपका ख़राब हो जाता है, या इस इंस्टॉलेशन लेवल इसको बोलते हैं, या तो ये इसमें आप छेड़छाड़ करते हैं ख़राब हो जाता है, या रास्ते में से मिसिंग होकर आता है, वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप जो नया इंस्टॉलेशन लेवल लगाएंगे या इसको आप रिपेयर करेंगे, चेंज करेंगे, वॉरिंग करेंगे, तो वैसे स्थिति में फिर आपको ये लगा करके इसके माध्यम से आपको बफर हाइट एयर स्प्रिंग की हाइट मेंटेन करनी होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना इसमें करना है, उसके बाद एक दूसरे कोच पर दिखाते हैं, जिसका दूसरे का लेके दिखाओ। लगाने पर देखा जा रहा है कि इसकी जो स्प्रिंग की हाइट है ये निर्धारित सीमा से अधिक है, क्योंकि अगर निर्धारित सीमा में होता तो ये वाला प्लेट दिखाइए नीचे, ये वाला प्लेट नीचे की तरफ यहाँ आता है। इसका मतलब यह है कि हमें अब इंस्टॉलेशन लेवल को खोल करके और हाइट मेंटेन करनी होगी। इंस्टॉलेशन लेवल को खोलने का तरीका बताइए, ऐसा इसको हाइट मेंटेन करेंगे। पहले जो है आपको चकनेट खोलना है नीचे का, दोनों जो यूनिवर्सल बोल्ट है इसके नीचे जो चकनेट लगे तो खोलेंगे। चकनेट को खोल लिए ऊपर नीचे, ठीक है, इसको भी खोलिए, नीचे नट को खोलिए, अब यूनिवर्सल नट को आप घुमाइए, रिंच को